भारत एकता हाई स्कूल मंडी सैनियन हांसी में वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत पहुंचे। समारोह की अध्यक्षता कैथल के शिक्षा अधिकारी सुभाष वर्मा ने की। समारोह में नगर परिषद हांसी के चेयरमैन प्रवीण इलाहाबादी सहित कई नगर पार्षद भी पहुंचे। आपको बता दें कि समारोह में पहुंचे हुए सभी अतिथिगणों को स्कूल के प्रबंधक राजवीर वर्मा ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। देखिए हरियाणा पोलखोल न्यूज पर एक विशेष कवरेज। ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोलखोल न्यूज। इस समय मैं मंडी सैनियन हांसी में आपको बता दें कि भारत एकता स्कूल के प्रांगण के अंदर भव्य रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एनुअल फंक्शन कहा जाता है उसको। और आपको बता दें यहाँ पर कौन कौन आए थे उसको लेकर जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्कूल के, यानी कि डायरेक्टर राजवीर वर्मा जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। और सर ठीक हो? हाँ ठीक है जी। रंग तो बहुत बढ़िया था आपका जी। वो तो आपके हमारे प्रोग्राम के प्रति कदरदानी है। नमस्कार आपका। कुलदीप कुमार। तो कौन कौन आए थे आज यहाँ? आज यहाँ पे अपने एसडीएम बहुत आए थे यहाँ पे, और जो पूर्व बीओ थे यहाँ के हांसी के वो आए थे, जो अब कैथल में डीओ लगे हुए हैं सुभाष जी। और यहाँ पर हांसी के एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र लावत पहुँचे थे, और जो कैथल में डीओ है जो सुभाष वर्मा जी पहुँचे थे। उसके अलावा काफ़ी संख्या में शहर के मौजूद लोग पहुँचे हैं। भव्य रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर परिषद के चेयरमैन प्रवीण अलावादी, कुक्कू सरदार एमसी, किरशन कुमार एमसी, दुली चंद एमसी और शहर के बहुत से गणमान्य लोग, सभी स्कूलों के प्राचार्य या उनके डायरेक्टर या उनके नुमाइंदे, सभी लोग आए हुए थे। आधा दर्जन के करीब नगर पार्षद भी यहाँ पहुंचे हैं इस कार्यक्रम के अंदर, जो शहर के करीब कहा जाता है। नगर पार्षद एक वार्ड का एक पार्षद होता है, और आपको बता वार्ड भी कोई छोटा नहीं होता, तकरीबन 2 से 3 हज़ार वोट होते हैं, उनका नुमाइंदा होता है नगर पार्षद भी। इनकी आधा दर्जन पार्षद यहाँ पहुंचे हैं, समाज सेवी पहुंचे हैं, कई अधिकारीगण पहुंचे हैं। हांसी के एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र रावत वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। सुभाष वर्मा जो आजकल कैथल में डीओ है वो भी यहाँ पहुंचे हैं। और लगातार बता दें सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मनमोहक कार्यक्रम चल रहा है काफ़ी देर से, और आनंद उठाया जा रहा है। स्कूल के जो बच्चे हैं, छात्र हैं या अभिभावक हैं, वो पहुंचे हुए हैं लगातार और देख रहे हैं इस समय। सर आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम कमल है सर। सर क्या लग रहा है आज कार्यक्रम जो हुआ है? बहुत बढ़िया उत्साह के साथ है जी। बच्चे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने भी अच्छा आनंद लिया, और बच्चे आज भी अब भी बहुत ही खुश हैं। बहुत खुश है जी। तो कार्यक्रम को देख कर ऐसा लग रहा है कि जाने का मन ही नहीं कर रहा? हाँ बिल्कुल जी, नहीं मन कर रहा। हाँ बिल्कुल जी। तो मैडम क्या नाम आपका? कविता सर। कविता? हाँ जी। तो कविता भी गई है कभी आपने स्टेज पे? नहीं सर कभी नहीं, मतलब वैसे बच्चों के लिए बोलिए कुछ कविता, जैसे क्लासेस में अटेंड किए, जैसे कि उनको लेक्चर्स वगैरह दिए, उस चीज़ के लिए कविता बोली है सर। मैडम का नाम कविता है, कविता गाती नहीं है, सिखाती है बच्चों को। हाँ जी हाँ जी सर। कभी कभी हाँ जी। सारा कार्यक्रम यानी कि सारा जो कार्यक्रम चल रहा है सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है उनकी देख रेख कहा जाए, उनका डायरेक्टर कहा जाए उनका, वो ये मैडम कर रही है खुद, और मैडम हमारे साथ जुड़ी हुई है, लगातार बात जारी है। मैडम जी क्या लग रहा है जो स्कूल है? हाँ कई सालों से काम कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी सर, 4-5 साल हो गए मेरे को यहाँ पे काम करते हुए, तो उसके तहत मतलब काफ़ी स्कूल आगे प्रगति पे है सर, और आगे भी मतलब प्रगति पे ही रहेगा। जो ये बच्चे आएंगे मतलब आगे उसके प्रोत्साहन बढ़ाएंगे हम, और अब जो आज कार्यक्रम चल रहा है उससे भी हमारा यही प्रोत्साहन है कि बच्चे मतलब आगे से आगे और बढ़ते रहें शिक्षा के महत्व में भी, और मतलब आगे परफॉर्मेंसेस के बाहर जाने के लिए भी। उसके कार्यक्रम करवाया जो सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों का बहुत मनमोहक कार्यक्रम था, उसमें किस प्रकार आपने तैयारी करवाई? सर जैसे कि मैंने मतलब एक तो जो शिक्षा का महत्व है उसके अकॉर्डिंग, एक हमारे देशभक्ति के अकॉर्डिंग, और जैसे कि एक हमारे पर्यावरण के अकॉर्डिंग, उस चीज़ के अकॉर्डिंग मैंने तैयार करवाया, और बाकी जो छोटे बच्चे हैं जैसे कि उनके नन्हे मुन्ने हिसाब के हिसाब से उनसे करवाया। देश प्रेम की भावना बच्चे में पैदा हो उसको लेकर ये कार्यक्रम तैयार करवाया गया। कई बार देखा गया स्कूलों में बर्थडे डांस क्यों करवाए जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं नजर आया। हाँ जी सर, और हमारे जैसे हरियाणा की संस्कृति है सर, जो मतलब काफ़ी लोग कहते हैं कि हरियाणा की संस्कृति अच्छी नहीं है, तो उसके लिए भी हमने सोचा कि आगे बच्चे उस हरियाणा में आगे जाएं।
हमारे हरियाणा कहते हैं दूध देकर खाना, ये है हमारा हरियाणा, हरियाणा की जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं ये स्कूल लगातार कार्य कर रहा है, जैसे मैडम ने बताया। और जो कार्यक्रम देखने को मिला, सारा धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो था, जो हरियाणा लेवल पर था, जो हरियाणी संस्कृति को बचाने के लिए, उसको कहीं ना कहीं आगे किया जा रहा है। हाँ जी सर, आगे भी हमारा मतलब कंटिन्यू रहेगा यही प्रोग्राम कि आगे मतलब अच्छा चले, और आगे हम कोशिश करें कि बच्चे हमारे बाहर भी जा सके कि आगे का इस कार्यक्रम के लिए। बच्चों को बाहर भेजने की तैयारी है सर, मैडम कह रही है बच्चों को बाहर भेजेंगे। जरूर जरूर भेजेंगे, अगर बच्चों का साथ मिलता रहा, आप लोगों का साथ मिलता रहा, तो हम बच्चों को इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे, इन बच्चों को भी आगे ही भेजेंगे। अभी जो हमारे एक्स स्टूडेंट हैं, उनमें से कुछ डॉक्टर बन चुके हैं, कुछ इंजीनियर हैं, और आने वाले समय में भी हम डॉक्टर, इंजीनियर और कुछ बैंकों के मैनेजर, ये हमारे स्कूल से पढ़ के गए हैं बच्चे, वो बने हैं, और आगे भी हम इनको ऐसे ही तैयार करते रहेंगे। आपको बता दें, हांसी में संस्थाएं बहुत हैं, बहुत संस्थाएं हैं, लगातार हम संस्थाओं में जाते रहते हैं, छोटी से लेकर बड़ी संस्थाओं में जाते रहते हैं, कहीं 3,000 फीस है, कहीं 4,000 फीस है, कहीं 2,000 फीस है, कहीं 1,000 फीस है, लेकिन जहां हम खड़े हैं मात्र कम फीस में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और बता भी दें आपको कि बच्चे अधिकारी लग रहे हैं, कर्मचारी लग रहे हैं सरकारी, ये हमने पहले भी देखने को मिला सर, ऐसा लग रहा है हमें तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जहाँ भी जाता हूँ मैं, हर जगह कोई ना कोई ऐसा एक स्टूडेंट मिल जाता है मुझे कि या तो वो अधिकारी है, या अधिकारी बनने वाला है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। अभी सुनीता वर्मा जो हमारे स्कूल से ही मैट्रिक करके गई थी, अभी वो एमएस करने गई है, एमबीबीएस कर चुकी है, एमएस करने गई हुई है, और इसी तरह और भी बच्चे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर एग्ज़ाम देकर अपना लोहा मनवाया है। जहाँ केवल ये कहा जाता है कि केवल इंग्लिश मीडियम के बच्चे ही वहाँ पर एंट्री पा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारे स्कूल के बच्चों ने अपने झंडे गाड़े हैं, और चाहे वो चंडीगढ़ पीजीआई में हो या दूसरी ऐसी राष्ट्रीय स्तर के जो इंस्टीट्यूट हैं, उनमें हमारे बच्चों ने अपना स्थान निश्चित किया है, और भविष्य में भी करते रहेंगे। मैडम यहाँ दिखावा नंबर नहीं होता? नहीं नहीं सर, ऐसा कोई दिखावा नहीं है, जो भी है सर रियल है सब कुछ, और अब भी जो हो रहा है वो रियल ही, और आगे भी हम चाहेंगे सब कुछ रियल ही हो सर आगे। यानी कि ओपन, यानी कि खुले आम होता है यहाँ, यानी कि वो नहीं है दिखावा नंबर, कई दिखावा नंबर करते हैं, लेकिन मेहनत और काम करने में विश्वास रखते हैं। हमारा तो मोटिव यही है कि झूठे आडंबरों से दूर, सादा जीवन, उच्च विचार, यही है हमारे विद्यालय का आधार। खुली बैको मास्टर जी, खुली बैको, अभी सच्चाई में ही जीत है। हमने सिर्फ सच्चाई बच्चों को सिखाई है, खुद भी उसी रास्ते पर चलते और बच्चों को भी यही सिखाते हैं, क्योंकि झूठ और फरेब की दुनिया, या झूठ और फरेब के कदम ज़्यादा दूर नहीं चल पाते, इसलिए हम केवल बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि बच्चे सच्चाई से, ईमानदारी से अपना काम करें। और जब कभी हम अपने बच्चों से कहीं भी मिलते हैं हमारे एक्स स्टूडेंट से, तो हमें खुशी होती है कि आज वो उस मुकाम पर पहुँचे हैं और उसे नक्शे कदम पर चल रहे हैं जो हमने उनको सिखाया है। धन्यवाद। ये थे राजवीर वर्मा, जो कि भारतीय एकता स्कूल है, उनके डायरेक्टर हैं, लगातार दिखा रहे थे यहाँ की कवरेज कि बहुत बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, शहर के गणमान्य लोग पहुँचे हैं, और जो स्टाफ था उनसे भी बातचीत करने का काम किया हमने। अब गुड़िया का नाम है मीनाक्षी सर, तो कैसे लगा कार्यक्रम? अच्छा लगा सर। तो स्टाफ है स्कूल का, पढ़ावा भी है या काम है? अच्छे है सर, यस सर। तो कौन सी क्लास पढ़ा दिया? प्लस वन में। कौन सी क्लास में? प्लस वन। कब से कहाँ पढ़ रही है? एक साल हो गया। अच्छा होगा, पढ़ाई कैसी हो रही है? अच्छी हो रही है। तो मास्टर मैडम सही पढ़ा हुआ? सही पढ़ा। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम किया है, ये कैसा था जी? बहुत अच्छा है सर। बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? डिंकल। बता कौन सी क्लास में पढ़े हैं? प्लस वन। तो आगे क्या बनना चाहोगे? अभी तो सर कुछ सोचा नहीं। सोचा नहीं है? सोचा है कुछ? नहीं अभी तो नहीं सोचा। सोचा नहीं सर। देखिए बच्चे ने सोचा नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं। और गुड़िया क्या नाम है तेरा? दिव्या। दिव्या, तो आज कौन सा गाना वगैरह आता है? बेटी हिंदुस्तान की। बेटी हिंदुस्तान की, बहुत बढ़िया बात की, बेटी हिंदुस्तान की, उस पर डांस किया? यस सर। तो कैसे लगा जी? बहुत अच्छा है सर यहाँ का। तो टीचर है, मैडम है, मास्टर है, सही पढ़ा हुए? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमारे प्रिंसिपल सर हमको पढ़ाते हैं, मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये बच्चे थे, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्कूल के जो स्टाफ है बहुत बढ़िया तरीके से और नरम स्वभाव से पढ़ाते हैं, और कहीं ना कहीं स्कूल का
जो नाम है आजकल शहर की अन्य संस्थाओं में एक प्रमुख रूप से जाना जाता है। स्कूल यूनियन के सदस्य और जुड़ चुके हैं हरिंदर सरदार जी, बहुत नाम है इनका, बहुत पुराने अध्यापक है, उनसे बातचीत करेंगे। सर कैसा लगा आप यहाँ की? आज भारत एकता हाई स्कूल के अंदर जो एनुअल फंक्शन था, बहुत अच्छा फंक्शन था, बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की थी, टीचर ने काफ़ी मेहनत की हुई थी, ये सारा स्टाफ, प्रिंसिपल साहब राजवीर सिंह जी, सभी स्टाफ मेंबर जो भी हैं बधाई के बहुत बहुत पात्र हैं कि ऐसा प्रोग्राम इन्होंने तैयार कराया बहुत थोड़े समय के अंदर। मैं ये चाहता हूँ यूनियन की ओर से भी कि ये स्कूल दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा पॉलिटिकल न्यूज। अपनी क्षेत्र की खबरों के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।